नमस्कार, आप देख रहे हैं एसीएन भारत। मैं हूं आपके साथ परिधि रखवंशी और नजर डाल लेते हैं अब 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर भोपाल से है, जहां टेम और सुठालिया बांध के विस्थापन के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को सीएम हाउस के सामने धरना दिया। वहीं धरने के बीच सीएम ने पूर्व सीएम कमलनाथ से मुलाकात भी की। हालांकि सीएम के सचिव आईएएस मनीष रस्तोगी के आग्रह के बाद दिग्विजय सिंह ने धरना खत्म कर दिया। दिग्विजय सिंह को सीएम सचिवालय की ओर से 23 जनवरी का समय दिया गया है। वहीं दूसरी खबर है जेल विभाग से जुड़ी हुई, जहां उच्च पद पर पहुंचे बिना सेवानिवृत्त होते जा रहे अधिकारियों कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार देने की व्यवस्था बनाई गई है। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश जेल नियम 1986 में नई धारा जोड़ी है। वहीं तीसरी खबर भोपाल से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके लिए भाजपा बूथ विस्तारक अभियान प्रदेश भर में एक साथ शुरू किया गया, जहां संगठन ऐप के माध्यम से 65,000 केंद्रों पर फॉर्म भरवाए गए हैं। चौथी खबर इंदौर से जुड़ी हुई है, जहां इंदौर के खजराना गणेश मंदिर पर आज से तिल चतुर्थी मेले का शुभारंभ हुआ, जिसमें कलेक्टर, निगम आयुक्त सहित कई अधिकारी परिवार सहित शामिल हुए। उन्होंने भगवान का दर्शन कर पूजा अर्चन किया, साथ ही परंपरा के अनुसार ध्वजा पूजा भी में भी शामिल हुए। और अब नजर डालते हैं एक हेडलाइन की तरफ। भोपाल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम हाउस के सामने दिया धरना। टीएम और सुठालिया बांध के विस्थापन के मुद्दे पर करनी थी चर्चा। धरने के बीच कमलनाथ से भी मिले सीएम। 23 जनवरी को मुलाकात का समय मिलने पर दिग्विजय ने खत्म किया धरना। इंदौर जल विभाग में मिलेगा उच्च पदों पर प्रभार। जेल नियम में 1968 में किया गया संशोधन, प्रदेश सरकार ने संशोधन करके नई धारा जोड़ी, उच्च पद का प्रभार देने की व्यवस्था बनाई गई। भोपाल भाजपा की बूथ विस्तारक अभियान की शुरुआत, 65,000 केंद्रों पर भरवाए गए फॉर्म, संगठन ऐप पर भरवाए गए फॉर्म, प्रत्येक बूथ पर 11% वोट शेयर बनाना है लक्ष्य। इंदौर में तिल चतुर्थी मेले का शुभारंभ, परिवार सहित शामिल हुए अधिकारी, भगवान का दर्शन कर किया पूजन अर्चन। कोरोना के चलते खजराना गणेश मंदिर में विशेष सुरक्षा व्यवस्था। तो पहली खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर टेम और सुठालिया बांध के विस्थापन के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को सीएम हाउस के सामने धरना दिया। इसको लेकर प्रदेश की राजनीति पारा गर्म रहा। दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से उन्हें सीएम से मुलाकात के लिए 21 जनवरी को 11:15 का समय निर्धारित किए जाने की सूचना दी गई थी, जिसे गुरुवार को निरस्त कर दिया गया। इसे लेकर दिग्विजय ने धरना दिया। इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की स्टेट हैंगर पर हुई मुलाकात चर्चा का विषय बन गई। हालांकि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह को 23 जनवरी दोपहर 12:00 मुलाकात का समय दिया, लेकिन कमलनाथ और शिवराज की मुलाकात से प्रदेश का सियासी पारा और भी अधिक बढ़ गया। हालांकि सीएम के सचिव आईएएस मनीष रस्तोगी के आग्रह पर दिग्विजय सिंह ने धरना खत्म किया। सीएम सचिवालय की ओर से दिग्गी को 23 जनवरी का समय दिया गया है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ भोपाल से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ सीएम से दिग्विजय ने मिलने का समय मांगा, पर सीएम ने उन्हें समय नहीं दिया, जिसकी वजह से दिग्विजय धरने पर बैठ गए। और अब उनकी आगे क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, जो दो बांध बन रहे हैं उसके जो प्रभावित किसान हैं, जो डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, उनकी समस्याओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह लगातार मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहे थे। और आज क्योंकि 21 जनवरी का समय उन्हें पहले सीएम सचिवालय ने दिया था, लेकिन कल देर शाम उन्हें फिर से ये सूचना दी गई कि अब मुख्यमंत्री ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया है, जिसको लेकर अब इसके विरोध में जो डूब प्रभावित क्षेत्रों के किसान हैं उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने बंगले से मुख्यमंत्री आवास की तरफ निकले थे। हालांकि पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग करके उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, और इसके बाद मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह वहीं अपने समर्थकों और जो पीड़ित किसान थे उनके साथ धरने पर बैठ गए। काफी देर तक, करीब 2 से 3 घंटे तक दिग्विजय सिंह धरने पर बैठे, और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मुख्यमंत्री को आखिर ऐसा क्या काम है कि पीड़ित किसानों की जो समस्याएं हैं वो तक सुनने का उनके पास समय नहीं है। और इसको लेकर के साफ तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लिया, और जब अधिकारियों ने ये कहा कि 23 तारीख का समय आपको दिया जा रहा है, तो उन्होंने ये मांग की कि लिखित तौर पर ये दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री पर अब भरोसा नहीं रहा है और
इसको लेकर लंबे समय तक वो धरने पर बैठे। हालांकि इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और पीसी चीफ कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात जो है वो स्टेट हैंगर पर हुई, जिसको लेकर के मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक पारा था वो भी काफी चढ़ गया। हालांकि बाद में ये कहा गया कि ये कोई पहले से निर्धारित मुलाकात नहीं थी, बल्कि चूंकि कमलनाथ छिंदवाड़ा से भोपाल आए थे और उसी वक्त मुख्यमंत्री जो है वो देवास के लिए रवाना हो रहे थे और एक सौजन्य भेंट वहां पर औपचारिक तौर पर आमने सामने जब दो नेता हुए तो उन्होंने थोड़ी देर रोककर आपस में चर्चा की और कमलनाथ ने ही ये बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें ये सूचना दी कि दिग्विजय सिंह उनके खिलाफ धरना दे रहे हैं। हालांकि जब कमलनाथ धरना स्थल पर पहुंचे तो दिग्विजय सिंह से चर्चा करने के बाद उन्होंने साफ किया कि मुझे इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी और अब दिग्विजय सिंह ने उन्हें बताया है कि करीब दो महीने से वो लगातार किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री समय नहीं दे रहे हैं और दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर इसे तानाशाही भी बताया। निश्चित तौर पर इसको लेकर के लंबा गतिरोध चला और उसके बाद फिर जब आईएएस मनीष रस्तोगी ने उन्हें फोन करके कहा कि 23 तारीख को 12 बजे उनकी मुलाकात का समय निर्धारित किया गया है और अब समय बदला नहीं जाएगा, इस आश्वासन के बाद दिग्विजय सिंह ने धरना समाप्त किया। लेकिन साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि ये किस तरीके का की राजशाही है और उनका सीधा आरोप सरकार पर है कि मुख्यमंत्री राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं और इसको लेकर अब ये लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी ये जो विवाद है लंबा चलेगा। जी वरित, कमलनाथ और शिवराज की मुलाकात की अब क्या सियासी मायने सामने आ रहे हैं? ये देखिए, हालांकि ये दोनों ही नेता ये कह रहे हैं कि ये कोई पूर्व निर्धारित मुलाकात नहीं थी, औपचारिक मुलाकात क्योंकि दोनों नेता आमने सामने थे इसलिए उन्होंने औपचारिक मुलाकात की। और मध्य प्रदेश का अगर हम राजनीति का इतिहास देखें तो यहाँ पर मतभेद जरूर है लेकिन मनभेद नेताओं के बीच नहीं दिखता है। पहले भी हमने देखा कि कई बीजेपी के नेता कांग्रेस नेताओं से मिलने उनके निवास पर पहुंचे, कई कांग्रेस के नेता भी समय समय पर बीजेपी के नेताओं के यहाँ पहुंचते रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में बीजेपी अब ये जरूर कह रही है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस में अकेले पड़ गए हैं और पीसीसी चीफ कमलनाथ भी उनके साथ नहीं है, उसको लेकर के बीजेपी जरूर बयानबाजी कर रही है लेकिन दिग्विजय सिंह और कांग्रेस का यह कहना है कि पूरी कांग्रेस जो है वो एक मंच पर है और किसानों के मुद्दे पर सभी मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जी विरेत, सीएम के सचिव आईएएस मनीष रस्तोगी के आग्रह पर अब दिग्विजय सिंह ने धरना तो खत्म कर दिया, अब आगे क्या कुछ मुलाकात के लिए उन्हें समय दिया गया है? जी देखिए, अब दिग्विजय सिंह की मुलाकात सीएम से 23 जनवरी को दोपहर 12 बजे निर्धारित की गई है और जब एक बड़े अधिकारी ने ये आश्वासन दिया उसके बाद दिग्विजय सिंह ने अपनी जो लिखित जो सूचना थी उसकी जिद छोड़कर धरना खत्म कर दिया गया है। साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि हमें किसी तरीके का विवाद नहीं चाहिए लेकिन और ना ही हम इसको राजनीतिक रंग देना चाहते थे लेकिन मुख्यमंत्री पीड़ित किसानों से मिले, उनकी जो समस्याएं हैं वो सुने और जो जो बाढ़ क्षेत्र में जो किसान आ रहे हैं जिनके खेत आ रहे हैं उन्हें पर्याप्त तो मुआवजा मिल जाए जिसके बाद इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। जी जी चलिए, तो खबर राजधानी भोपाल से थी जहां धरने पर टिकी चर्चा में कमलनाथ, एक को इंतजार दूसरे से मुलाकात, सीएम शिवराज और कमलनाथ की मुलाकात अब सीएम ने 23 जनवरी का समय दिया है। अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे जो इंदौर से निकल कर सामने आ रही है जहाँ जेल में मध्य प्रदेश में वर्ष 2016 में पदोन्नति बंद होने के कारण उच्च पद पर पहुंचे बिना सेवानिवृत्त होते जा रहे अधिकारियों कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार देने की व्यवस्था बनाई गई है। आपको बता दें कि ग्रह के बाद इसे अब जेल विभाग भी लागू किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश जेल नियम 1986 में नई धारा जोड़ी है। अन्य विभागों में भी इस संबंध में कार्रवाई चल रही है। इस नई व्यवस्था के चलते अब रिक्त पदों को भरने के लिए सहायक और उप अधीक्षक को प्रभारी बनाया जा सकेगा। इसी तरह प्रहरी को प्रभारी, मुख्य प्रहरी, मुख्य प्रहरी को प्रभारी, प्रमुख मुख्य प्रहरी और प्रमुख मुख्य प्रहरी को सहायक अधीक्षक जेल के रूप में काम करने के लिए आदेश दिए जा रहे हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ इंदौर से ब्यूरो हेड भरत पाटिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, ये कवायद कब से शुरू होने वाली है? देखिए, वर्ष 2016 से अगर हम बात करें तो जेल की पदोन्नति को लेकर के जो है
काफी एक लंबा वक्त बीत गया और कई लोग इससे रिटायर भी हो गए, लेकिन अब जो है जेल विभाग के लिए अगर हम बात करें तो एक बेहद ही हम बोल सकते हैं कि ये एक उन कर्मचारियों के लिए जो काफी सालों से अपने अधिकारियों के लिए जो है वो गुहार लगाते आए थे, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने भी ये डिसाइड कर दिया है कि इनकी पदोन्नति को लेकर के जो है अब तैयारियां की जा रही है और अब सभी जो जेल में काफी समय से जो सुप्रिंटेंडेंट जेल रहे हैं या जेल में अन्य पदों पर रहे हैं उन्हें भी पदोन्नति दी जाएगी और इसकी शुरुआत भी अब जो है जल्द ही गृह मंत्रालय विभाग द्वारा किया जाएगा, जिससे कि एक खुशी की लहर तो जेल विभाग के कर्मचारियों में दिख रही है। हमने हाल ही में देखा कि काफी समय से लंबे समय से पुलिस की भी इसी के चलते पदोन्नति को लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट में जो है मामला लंबित काफी समय से था, लेकिन इसके बावजूद एक नया रास्ता निकाला गया और काफी अधिकारियों को जो है पदोन्नति दी गई थी। हालांकि ये कार्यवाहक के रूप में पदोन्नति थी, लेकिन उनके कर्तव्यों का निर्वहन उनके रिटायरमेंट से पहले उन्हें पदोन्नति मिलना, एक डेजिग्नेशन मिलना कहीं ना कहीं उनके लिए एक अपने पूरे जीवन काल में पुलिसिंग के लिए और भी बेहतर कार्य करने के लिए एक ऊर्जा मिलती है। और जब किसी का भी प्रमोशन होता है तो उसके मायने अलग एक और दिखते हैं, एक जिम्मेदारी बड़ी बनती है। तो इसी तरह जेल विभाग में भी अब पदोन्नति को लेकर के जो है जल्द ही ये कवायद शुरू कर दी जाएगी और जो लंबे समय से रुके हुए जेल में पदोन्नति के मामले थे अब उसमें जो है सभी जो अधिकारी क्राइटेरिया में सामने आएंगे उनकी जो है पदोन्नति की जाएगी। जी भरत, किस तरह से इन्हें पदोन्नति दी जाएगी और अब क्या क्या नई धाराएं जोड़ने जा रहे हैं? देखिए, अभी इस पर पूरा एक समिति के द्वारा पूरा डिसाइड जो है जेल विभाग से जानकारी मांगी जाएगी और कौन कौन इसमें किस किस क्राइटेरिया में है, कितने लोगों की पदस्थापना होना है, किन किन लोगों का प्रमोशन होना है, इसकी पूरी सूची तैयार होने के बाद में गृह मंत्रालय से ये जो है सूची के तहत जो पदोन्नति है वो दी जाएगी और उसके बाद उनकी जिम्मेदारियां उनको सौंपी जाएगी। कई स्थानों में बदलाव भी हम देखने को मिलेंगे। हाल ही के दिनों में हमने देखा कि पुलिस के भी पदस्थापना के बाद जो अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई उनमें थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन पदोन्नति के बाद सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है और एक जब प्रमोशन होता है तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती है और उनका कार्य का निर्वहन करने की जिम्मेदारियां भी काफी सालों से, क्योंकि उन्हें कार्य करते हुए इतनी प्रैक्टिस हम बोल सकते हैं, इतना अनुभव उन्हें रहता है कि वो उस पद का जो है सदुपयोग कर सकते हैं और जनता की भलाई के लिए, और अगर खासकर अगर जेल प्रशासन के तरफ से किया जा रहा है तो जेल की किस तरह की व्यवस्थाएं रहेगी, कैदियों में किस तरह से सुधार लाया जाएगा, इनको लेकर के भी जो है वो ये पूरा कार्य आने वाले समय में काफी अच्छे रूप से देखा जा सकता है। चलिए चलिए, तो खबर जेल विभाग से थी, इंदौर से थी, जहां जेल विभाग में उच्च पदों पर प्रभार मिलेगा। जेल नियम में 1968 में संशोधन किया गया, प्रदेश सरकार ने संशोधन करके नई धारा जोड़ी है, उच्च पद का प्रभार देने की व्यवस्था बनाई गई है। और अब अगली खबर राजधानी भोपाल से निकल के सामने आ रही है, भोपाल की तरफ रुख करेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके लिए भाजपा बूथ विस्तारक अभियान चला रही है। आपको बता दें कि भाजपा ने यह अभियान प्रदेश भर में एक साथ शुरू किया है, जहां संगठन एप के माध्यम से 65,000 केंद्रों पर फॉर्म भरवाए गए हैं। इस अभियान के माध्यम से भाजपा ने 11% वोट शेयर बढ़ाने हैं। आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते भाजपा यह लक्ष्य लेकर चल रही है, वहीं सभी बूथों को सक्षम बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ भोपाल से हमारी पॉलिटिकल एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी है। मुक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को बढ़ाने के लिए बूथ विस्तारक अभियान की शुरुआत की है, अब इस अभियान के अंतर्गत किस तरह से कार्य किया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर हम बीजेपी की वर्किंग स्टाइल को देखें तो वो शुरू से इस बार वो बार बार जो है जितने भी उसके संगठन के पदाधिकारी हैं वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं, स्ट्रेस कर दे रहे हैं कि जो बीजेपी का वोट प्रतिशत है उसको बढ़ाना है। हमने पिछले बार के जो विधानसभा चुनाव जिसमें बीजेपी हारी थी और कांग्रेस जीती थी और जितने भी उपचुनाव हुए उसके बाद हमने देखा है कि
भले ही कई बार जो है वो सीट बीजेपी को ज्यादा मिल गए हो, उनके कैंडिडेट जीत गए हो, लेकिन जो वोट प्रतिशत है वो हर वक्त कांग्रेस का कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो इस पे लगातार जो है बीजेपी की वर्किंग हो रही कि किस तरीके से हम इस वोट प्रतिशत को बढ़ाएं, और इसी इसी में जो है बार बार इस पे जो है जोर दिया जा रहा है। और ये जो पूरा अभियान जो चल रहा है बूथ विस्तारक का, वो इसी लिए चल रहा है कि वोट प्रतिशत को बढ़ाया जाए। आज जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो देवास में पहुंचे हैं, ऐसे ही जितने ऐसे ही बीडी शर्मा अध्यक्ष लगातार दौरे पर है, और वो लगातार हम देख रहे हैं उनको, वो जगह जगह जा रहे हैं और हर जगह वही इसी बात पे कार्यकर्ताओं का वो सम्मेलन ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। जितने बड़े बीजेपी के अधिकारी हैं वो यही कर रहे हैं कि हमें जो है वोट प्रतिशत को बढ़ाना है, क्योंकि इस बार जो है बीजेपी का पूरा जो फोकस जो एजेंडा है वोट प्रतिशत बढ़ाने का है। जी मुक्ता जी, इस अभियान के माध्यम से भाजपा ने कितनी फीसदी वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? भाजपा ने लगभग 11% वोट बढ़ाने का, वोट शेयर जो है उसको बढ़ाने का जो है उन्होंने टारगेट रखा हुआ है। सारे अपने जितने उनके जो कार्यकर्ता हैं सबको मोटिवेट कर रहे हैं, जितने बड़े अधिकारी हैं चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो संगठन के से जुड़े जो लोग हैं, सब सबका जो है केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम है, एक सूत्रीय फोकस है उनका कि हमें वोट प्रतिशत को जो है बढ़ाना है, जिससे जो है बीजेपी के जो मार्जिन ऑफ सीट्स है, जो जीतने की मार्जिन है, जो सीट्स है, जैसे कि अगर आपको आपको भी ध्यान होगा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हालांकि सत्ता में आई थी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में सीट डिफरेंस बहुत कम था। तो बीजेपी का ये मानना है कि ये सीट डिफरेंस जो है ये जब वोट प्रतिशत उसका बढ़ेगा आने वाले समय में, वो लगातार फोकस कर रही है वोट प्रतिशत बढ़ेगा, तो ये जो सीट डिफरेंस है वो नहीं रहेगा, वो बहुत बेयर मिनिमम हो जाएगा, इसीलिए जो है इस पे बीजेपी का फोकस है। जी चलिए, तो खबर राजधानी भोपाल से थी जहां भाजपा का बूथ विस्तारक अभियान, 65,000 केंद्रों पर फॉर्म भरवाए गए, संगठन ए पर ये फॉर्म भरवाए गए हैं, प्रत्येक बूथ पर 11% वोट शेयर बनाना लक्ष्य रखा गया है। और अगली खबर पर हम रुक करेंगे, इंदौर से निकलकर सामने आ रही है जहां पर आज इंदौर के खजराना गणेश मंदिर पर आज से तिल चतुर्थी मेले का शुभारंभ हुआ है, जिसमें कलेक्टर, निगम आयुक्त सहित कई अधिकारी परिवार सहित शामिल हुए। उन्होंने भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चन किया, साथ ही परंपरा के अनुसार ध्वजा पूजा में भी शामिल हुए हैं। दरअसल इंदौर के खजराना स्थापित विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को तिल चतुर्थी के मौके पर विशेष पूजन की परंपरा है। वहीं इंदौर के कलेक्टर और निगम आयुक्त ने भी पारंपरिक रूप से खजराना गणेश मंदिर पहुंचकर विघ्नहर्ता का दर्शन कर पूजन अर्चन किया। इस मौके पर मौजूद सभी अधिकारियों ने इंदौर में शांति और उन्नति की कामना की और इस महामारी से जल्द मुक्ति की प्रार्थना की है। इसके साथ ही भगवान गणेश को 51,000 तिल के लड्डुओं का भोग लगाया गया है, साथ ही मंदिर परिसर में फूलों की विशेष सज्जा की गई। वही कलेक्टर और निगम आयुक्त ने भक्ति और आस्था का निर्वाह करने के साथ शहर को साफ स्वच्छ और कोविड प्रोटोकॉल के पालन की समझाइश दी। भक्तों का विशाल दर्शनों का तांता लगा हुआ है। अभी अभी थोड़े समय पहले माननीय जिलाधीश मनीष सिंह जी महोदय के द्वारा ध्वजा पूजन किया गया, पूजा की गई और 51,000 लड्डुओं का भोग लगाया है, मोदक के विशेष मोतियों का श्रृंगार किया गया है, भगवान गणेश को स्वर्ण आभूषण चढ़ाए गए हैं और जो प्रवेश द्वार है वहाँ से किसी को भी ज़्यादा वीआईपी सिस्टम नहीं है, सभी लोग लाइन से आए, व्यवस्थाएं बनाए रखें, मास्क लगा के रखें और अपनी सुरक्षा करें और पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। तिल चतुर्थी के अवसर पर ये जो परंपरागत पूजन हर बार ध्वजा पूजन होता है उसमें सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। भगवान गणेश से पूजा अर्चना हुई है, पूरा खजराना गणेश जो है वो पूरे इंदौर के लिए आराध्य स्थल है, पूज्य स्थल है। हम सभी लोगों ने प्रार्थना की है कि हम लोगों को ऐसी विवेक हमेशा दें जिससे कि हम लोग अपना काम निष्पक्षता से और जनता के हित में करते रहें। साथ ही जो इस समय कोविड का समय चल रहा है उसमें वो जल्दी ख़त्म हो,
जो इंदौर की तासीर है बहुत वाइब्रेंट सिटी की, यहाँ आयोजन पर्व धार्मिक आयोजन समय समय पर होते रहते हैं, वो हम लोग वापस ट्रैक पे लौट जाएं। मेरी सभी को वापस से तिल चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तिल चतुर्थी का जो परंपरागत पर्व है भगवान खजराना गणेश जी का, आज से प्रारंभ हुआ है और ध्वजा पूजन हुआ है। भगवान के शिखर में ध्वजा लहराने के लिए गए हैं अभी लोग चढ़ाने के लिए उसको, और आज 51,000 तिल के लड्डुओं को भोग किया गया है और अजवाइन और गोंद का भी कल परसों में लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। कुछ बहुत भजन कार्यक्रम भी होंगे यहाँ पर शाम को। आज भगवान श्री गणेश का ये परंपरित पर्व में बहुत उत्साह रहता है लोगों को, लोग आते हैं, भगवान इस समय जागृत अवस्था में रहते हैं, लोग आते हैं भगवान से अपने मनोकामना की मांग करते हैं और पूरे हर्षोल्लास से जैसा आप देख रहे हैं लोगों में बड़ा उत्साह है, लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ इंदौर से संवाददाता अविनाश वर्मा जुड़ गए हैं। अविनाश, आज तिल चतुर्थी का पहला दिन है, किस तरह से श्रद्धालु आज यहाँ पहुंचे, क्या भक्तों का तांता अभी भी मंदिर परिसर में बना हुआ है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से तिल चतुर्थी जो महोत्सव है वो आज से खजराना गणेश मंदिर में शुरू हो गया है। 3 दिवसीय जो महोत्सव है वो आज के दिन से हर बार ही शुरू होता है, लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए कुछ प्रतिबंध इस तिल महोत्सव में लगाए गए हैं। 3 दिवसीय जो मेले का आयोजन यहाँ पर होता है, जिसके अंदर खजराना गणेश मंदिर में विशेष साज सज्जा के साथ ही पुष्प जो है वो सजाए जाते हैं, पूरे मंदिर परिसर को सजाए जाते हैं। वही विशेष रूप से विद्युत सज्जा भी जो है मंदिर परिसर में की जाती है। इस दौरान आज कलेक्टर मनीष सिंह और निगमय प्रतिभापाल परिवार सहित यहाँ पहुंचे थे। ध्वजा पूजन के साथ ही वो ध्वजा को मंदिर शिखर पर लहराया गया है। इसके साथ ही दोनों ही जो वरिष्ठ अधिकारी उनके द्वारा शहर को कोविड प्रोटोकॉल और शहर को लेकर स्वच्छता को लेकर एक बार फिर से उन्होंने लोगों से अपील की है। साथ ही लोगों से अपील की है कि वो अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसी सब के साथ आज जो है इंदौर में खजराना गणेश मंदिर पर तिल चतुर्थी पर्व की शुरुआत हुई है। जी अविनाश, इंदौर के खजराना गणेश मंदिर पर आज से तिल चतुर्थी मेले का शुभारंभ भी हुआ। इस मेले में कोरोना गाइडलाइन के चलते क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइन की अगर हम बात करें तो अक्सर जब भी जो है खजराना गणेश मंदिर में 3 दिवसीय मेले लगता था तो वहाँ पर जो एक मेले रूबा जो माहौल है वो सारी सुविधाएं वहाँ पे होती थी, लोग वहाँ पर आके समय बिता सकें, बच्चे वहाँ पर आके अपना समय बिता सकें, झूले यहाँ पे लगाए जाते थे, अलग अलग जो स्पोर्ट्स खेल गतिविधि होती है जो वहाँ पर संचालित हो सकती थी उन सभी को वहाँ पर संचालित किया जाता आया है। लेकिन इस बार जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसके तहत किसी भी तरह की झूले या अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जा चुका था। वहीं भजन संध्या को लेकर भी यहाँ पर एक विशेष आयोजन इस बार किया गया है। किसी भी भक्त को बैठकर या एक ही स्थान पर खड़े होकर सुनने की अनुमति नहीं होगी। भजन संध्या भी चलित भजन संध्या होगी, तीनों ही दिन लगातार यहाँ पे भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, लेकिन सभी भक्तों को चलित रूप में ही इस तो भजन संध्या में शामिल होना पड़ेगा। चलिए, तो ये थे 4 बजे के 4 मुद्दे जिस पर हमने विस्तार से जानकारी ली। सभी संवाददाताओं को एक बार धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़कर जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और मुझे दीजिए इजाजत, और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एशियन भारत के साथ।